डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अगेन एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्पेशली इंटरव्यूज के अंदर। और वैसे भी ये जो पूरी सीरीज, ये पूरा कोर्स एक तरह से डिजाइन कर रहा हूँ जहां पे आप पाइथन के सारे प्रोग्राम्स को विद एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और बहुत ज्यादा आपकी लर्निंग होगी और इंटरव्यूज में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और इसी में होता क्या है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ हिडन ऐसे फर्दर लॉजिक्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। जब आप एक चीज को अच्छे से पकड़ लेते हो या समझ लेते हो तो बाकियों को भी आप एक्सप्लोर इजीली कर सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पहले वाले कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से पकड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लेके आया हूं इसमें क्या है, राइट अ कोड टू चेक अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, मतलब जब मैं अपने बीटेक के टाइम पे था 2010-11 की बात है, तब भी एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता था, तब भी ये दिक्कत करता था, आज भी ये दिक्कत करता है स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए आज के बाद ना करें, तो मैंने सोचा यार पाइथन में हम लोग इसको इजीली तरीके से कर लेते हैं। तो करना क्या, हमने यूजर से स्ट्रिंग लेनी है और फिर हमें चेक करना है कि क्या वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। और पैलिंड्रोम का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग मैं इस तरीके से लिखता हूं और उस स्ट्रिंग को अगर मैं आगे से रीड करूं या फिर पीछे से रीड करूं वो सेम ही आए। जैसे मैं अगर आगे से रीड करता हूं ये क्या है लेवल, और अगर मैं पीछे से रीड करता हूं तब भी ये क्या है आपका लेवल, मतलब सेम ही आ रही है। अगर इसका काउंटर एग्जांपल देखें तो लेट्स सी, अगर मैं इस तरीके से कुछ लिख दूं अरुण, तो अगर आप आगे से रीड करोगे तो क्या है अरुण, और अगर आप पीछे से रीड करोगे तो बन जाएगी NURA नूरा, ठीक है। तो आप मतलब काइंड ऑफ कुछ भी इस तरीके से बना सकते हो। तो जो भी नंबर आगे और पीछे से इस तरीके से आते हैं तो दैट इज व्हाट अ स्ट्रिंग। तो इस तरीके के लेवल ले लो, या फिर रेडार है, बहुत सारे एग्जांपल आपने पढ़े भी होंगे, डीड है, बहुत सारे एग्जांपल है। तो अगर मुझे चेक करना है कि भैया यूजर से मैं कोई इनपुट ले लेता हूं, तो इनपुट ले लिया मैंने यूजर से, और जो भी इनपुट लूंगा बाय डिफॉल्ट, आपको पता है कि जो इनपुट फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, इनबिल्ट फंक्शन है, वो बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न है वो स्ट्रिंग टाइप ही करता है। तो इसलिए आपको इसमें कोई टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हम कोई नंबर वगैरह लेते तब आपको करना पड़ता है, बाहर इंट वगैरह लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है। सीधा इनपुट लिया हमने यूजर से और उसको एन के अंदर स्टोर कर लिया। अब उसके बाद क्या किया, एक रिवर्स नाम का हमने वेरिएबल ले लिया, इनिशियली उसको क्या कर दिया एम्प्टी, रिवर्स मेरा इनिशियली क्या है खाली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, फॉर कैरेक्टर इन एन, अब लेट्स सपोज मैंने यूजर से कोई भी स्ट्रिंग एंटर करवाई, लेट से लेवल ही ले लो, लेवल हमने यूजर से क्या किया एंटर करवाया, यूजर ने एंटर किया लेवल और वो एन के अंदर आ गया, तो एन के अंदर क्या वैल्यू आ गई हमारी लेवल, और रिवर्स मेरा क्या है इनिशियली खाली। फॉर ईच करेक्टर, हर एक करेक्टर के लिए मूव करेगा, फॉर करेक्टर इन एन, एन के अंदर पहला करेक्टर कौन सा आपका एल, तो मेरा पॉइंटर एक तरह से पहले करेक्टर के ऊपर है, एल के ऊपर है, अंदर गए, रिवर्स इज इक्वल टू करेक्टर प्लस रिवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यही बस इस पूरे जो कोड का एक्चुअल में जो क्रक्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बस यही लाइन है। इसमें किया क्या, जो करेक्टर है उसको रिवर्स के अंदर ऐड कर दिया, तो करेक्टर कौन सा मेरा एल, हमने रिवर्स के अंदर उसको क्या कर दिया ऐड कर दिया, क्योंकि रिवर्स तो भी खाली है, तो करेक्टर कौन सा एल, एल प्लस एम्प्टी, मतलब एल आपका जो है वो रिवर्स के अंदर आ गया। और उसके बाद हमने दोबारा से, अभी खत्म नहीं हुआ ये लूप, फॉर लूप कब तक चलेगा, जब तक आपका लास्ट तक सारे आपके जो है वो करेक्टर्स खत्म नहीं हो जाते। तो अभी अंदर ही है, नेक्स्ट पे मूव किया, नेक्स्ट पे गए हम ई, तो ई जो है वो मेरा करेक्टर इन एन, यस अंदर गए, अब उसके बाद हमारे पास करेक्टर कौन सा ई, और रिवर्स के अंदर क्या है एल, तो ई प्लस एल मतलब आपका जो ई है वो आगे जाके लग जाएगा, इस एल के आगे जाके, ये क्या है आपका L है और E आपका आगे जाके लग जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो सारी कहानी आपकी चेंज हो जाएगी, फिर आंसर गलत आ सकता है, आएगा, आ सकता भी क्यों है, आएगा ही गलत। देन पहले इसको करवा देता हूं पूरा, V नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है आपका V, V प्लस रिवर्स, V आपका कौन सा अब करेक्टर है और रिवर्स के अंदर आपका कौन सा है EL, तो एक तरह से V आपका आगे जाके लग गया। उसके बाद लेट से हमारे पास करेक्टर कौन सा आपका E, तो फिर E जो है वो आपका ऐड होगा, तो E प्लस रिवर्स के अंदर कौन सा है VEL, तो यानी E इसके आगे लग गया, फिर L, तो L जाके जो है वो फाइनली इसके अंदर लग गया। अब उसके बाद क्या किया, हमारे पास जो N, N के अंदर क्या था लेवल, लेवल इज डबल इक्वल टू लेवल, क्या ट्रू है या फॉल्स है, भैया ट्रू तो है, सेम ही तो है, तो अगर सेम है तो भैया स्ट्रिंग क्या है मेरी पैलिंड्रोम है, दैट्स इट, ये सिंपल सा फंड है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यहां पे लिख दूं रिवर्स प्लस कैरेक्टर, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, रिवर्स प्लस कैरेक्टर कर दूं, इस वाली पूरी लाइन को अगर उल्टा कर दूं, तो उस केस में होगा क्या, लेट्स से अगर मैंने यूजर से एंटर करवाया कोई भी, लेट्स से आर, यूजर से हमने एंटर करवाया ए आर यू, तो एन के अंदर क्या आ गया आपका ए आर यू आ गया, अंदर गए फॉर एवरी करेक्टर चलेगा ये, अंदर गए तो सबसे पहला करेक्टर कौन सा आपका ए,
ए जो है वो हमने ऐड कर दिया, मैंने इसके अकॉर्डिंग नहीं करना, अब मैंने इसके अकॉर्डिंग करना है। तो रिवर्स मेरा खाली है, रिवर्स के अंदर हमने क्या कर दिया, कैरेक्टर ऐड कर दिया। तो ए हमारा, मैं एक तरह से रिवर्स ले लेता हूं, उसके अंदर हमने ए को ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा आपका, आर। तो हमने क्या किया, रिवर्स के अंदर कौन सा ए प्लस, करेक्टर कौन सा मेरा आर, तो हमने ए प्लस आर, मतलब ये वाला आपका पीछे जाके लग गया। उसके बाद कौन सा आया, यू। तो यू मेरा जो है वो एक तरह से रिवर्स के अंदर कौन सा ए आर, और यू मेरा करेक्टर है, तो ये ऐड हो जाएगा, मतलब ये पीछे ऐड कर दिया, आगे ऐड करने की बजाय पीछे ऐड कर दिया। अब देखो जी, अगर आपने पीछे ऐड कर दिया तो रिवर्स, आपने एन क्या किया था आरू, और रिवर्स के अंदर क्या है आरू, तो आंसर क्या आएगा, यस इट इज पैलिंड्रोम। बट भैया पैलिंड्रोम कहाँ है, ए आर यू, अगर इसको उल्टा पढ़ोगे तो यू आर ए, तो आर यू और यू आर ए तो दोनों बराबर नहीं है, ये तो अलग है, तो इसीलिए पैलिंड्रोम तो नहीं है, बट ये रिटर्न करेगा यस इट इज पैलिंड्रोम। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट दिखा देगा इनको, तो इसीलिए जब भी इस लाइन को लिखना हमेशा रिवर्स इज इक्वल टू करेक्टर प्लस रिवर्स, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस करेक्टर मत लिखना, अदरवाइज आपका जो है वो लॉजिक बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए ये सिंपल सिंपल पॉइंट है, बहुत छोटे पॉइंट है, छोटी बातें बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोटी बातें, तो इसीलिए सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लो। एक्ट को एग्जीक्यूट भी करके दिखा देता हूँ, लो जी, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हम सही कर रहे हैं। लो जी, लेवल मैंने पहली एंट्री डाली यहाँ पे, लेवल इसको बंद कर देते हैं, अब आई थिंक आपको दिख रहा होगा सबको, हाँ जी, ये मैंने कोड को एग्जीक्यूट किया, तो नीचे यूजर से वो इनपुट ले रहा है लेवल, तो मैंने लेवल डाला, तो आंसर क्या आ गया, यस स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। और यहां पे लेट से मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं, तो मैंने डाला आरू, आरू डाला, तो नो इट इज नॉट पैलिंड्रोम। तो आप इसको इसको उल्टा भी करके दिखा देता हूं, लेट से रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस कैरेक्टर, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आरू, आरू डाला, तो यस इट इज पैलिंड्रोम। भैया आरू कहां से पैलिंड्रोम में, बट ये प्रिंट करेगा, इसीलिए याद रखना इसको कभी भी इस तरीके से मत लिखना, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमेशा आपको इसमें लिखना है रिवर्स इज इक्वल टू कैरेक्टर प्लस रिवर्स, ठीक है, बस ये पॉइंट जो है वो याद रखना, दैट्स इट। सो ये पॉइंट जो है वो नोट कर लो, थैंक यू।